गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों ने सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 27 नवम्बर है, जिसमें फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी के पास बीएड द्वितीय वर्ष का अंक पत्र होना जरूरी है। इसलिए बीएड छात्र ये मांग करते हैं कि बीएड द्वितीय वर्ष का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाए, जिससे टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरने में आसानी हो सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र राघवेंद्र शुक्ला ने कहा, बीएड रिजल्ट घोषित करो, बीएड रिजल्ट घोषित करो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, ले रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बीएड द्वितीय वर्ष राघवेंद्र कुमार शुक्ला, हम लोग इस संदर्भ में प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीएड जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा हम लोग दे चुके हैं उसका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 27 तारीख तक परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास सारे प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे तो आप लोग परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और यह अगर परीक्षा रिजल्ट हम लोग का नहीं आता है तो सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की लेट लतीथि चलते नहीं आएगा, क्योंकि यूजीसी का भी स्पष्ट निर्देश था कि 1 नवंबर से नया सेशन शुरू हो, और आज 2 नवंबर है, अभी तक हम लोग का पुराने सेशन का रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षा फॉर्म आ गया है, 4-4 साल बाद वैकेंसी आती है, अगर हम लोग को ये परीक्षा फॉर्म भरने को नहीं मिलता है तो बताइए हम लोग अगले 4 साल तक क्या वेट करेंगे, बीएड करने का हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हम लोगों का रिजल्ट 15 तारीख के अंदर घोषित कर लिया जाए, जिससे हम लोग परीक्षा फॉर्म भर सकें।